अपना वादा पूरा किया मैंने। हरगिज नहीं। आपने यकीनन हमें किसी परेशानी में डालने का प्लान बनाया होगा। इतने सारे पैसे एडवांस में कौन देता है? ये नामुमकिन है। अरे लड़की, ऐसा नहीं है, ये काम बहुत आसान है, तुम फिक्र नहीं करो। मैं आपके आसान कामों को जानती हूँ। आप वो कैसे भूल सकती है जो पिछली बार हमारे साथ हुआ था? जहरा, क्या हुआ डियर? क्या इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल आए थे हम? हाँ, हम निकल आए थे, और किस कीमत पर? अब मेरा मुंह मत खुलवाएं आप। ये वैसा काम नहीं है, कसम खा के कहती हूँ। तुम्हारी बेटी जानसू है ना? नहीं, अपने किसी भी प्लान में जानसू का नाम लेने की हरगिज जरूरत नहीं है, समझी आप? अपने पैसे ले और जाए यहाँ से। ओ जरा सुनो तो, एक लड़की मिली है मुझे जानसू की उम्र की जितनी। उसके माँ बाप गरीब है, उसकी देखभाल नहीं कर सकते थे, उसे किसी को देना चाहते हैं वो। समझ लो मुफ्त की डील बनाई है उनसे, बस पालो उसे और स्कूल भेज दो। सुनो जरा, हम जासू की जगह उस बच्ची को दे देंगे उन्हें। क्या कहा आपने? जासू को कहाँ देना है जहरा? खुशामदी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया तुम्हारा रुश्तू। मरियम साहब है ना ये? रुश्तू एंगिन, खुशामदीद, मैं अहमद साहब का वकील हूँ। मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? बैठो तो सही, प्लीज। क्या कॉन्ट्रैक्ट तैयार है? जी जी बिल्कुल, ये लीजिए। ये क्या है? देखो क्या लिखा है, यह है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। हमें कहां कहां दस्तखत करने हैं? हर सफे के नीचे दस्तखत करने होंगे। मैं किसी मुआहदे पे दस्तखत नहीं कर रही। तो फिर यह शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब तुम अपने चाचा और उनके साथियों को खुद बताओ कि तुम इस शादी से इनकार कर रही हो। वैसे एक बात है रुश्दू डियर, मैं एक मुजरिमाना शिकायत दर्ज करवाना चाहता हूँ, वो भी मरियम के पूरे खानदान के खिलाफ, इसके चाचा, इसके भाई और इसके कजन्स के नाम पर। मरियम अब हमें उनका नाम और पता दे देगी। चार्जेस क्या क्या होंगे? चार्जेस हैं अगवा और हिरासत, तशद्दुद, धोखाधड़ी, हमला, कैद, जबरदस्ती, अपनी बात मनवाना। बाकी आप बेहतर जानते हैं क्या लिखना है। ठीक है, मैं समझ गया अहमद साहब, मैं दरखास्त को फौरी तौर पर प्रोसिक्यूटर के दफ्तर भेज रहा हूँ। ठीक है अहमद, इसकी कोई जरूरत नहीं, करती हूँ मैं। यही करने हैं ना? जी हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा। अरे सोचो तो, 1 मिलियन मिलेंगे हमें, कम से कम जानसू के मुस्तकबिल का सोचो। ये बहुत खतरनाक है, हालात अभी ही पुरसुकून हुए हैं। मेरी तरफ देखे सोए हुए देव को मत जगाए जहरा। तो फिर इस तरह से सोचो कि अगर तुमने इनकार किया और किए किराए पर पानी फेर दिया तो फिर राज मुझसे भी नहीं संभलेगा। ये ना हो कि मुंह से कुछ निकल जाए। तुम्हारा भाई अगले हफ्ते आ रहा है, उसके कानों में भी कुछ पड़ सकता है। आप पछताएंगी। तुम वक्त लेकर जरा सोच लो, फिर बात करेंगे। इसे ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। बाय बाय जहरा। अल्लाह पूछे तुम्हें। क्या बात है मेहमत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बातें सुन रहे थे हमारी? वो जानसू के इतने पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्या मतलब है, कौन पड़ा है जानसू के पीछे? हाँ तुम अपने काम से काम रखो। क्या आपने उस खराब औरत से पैसे लिए? हाँ मेहमत, लिए मैंने पैसे,
क्या मुझे तुम्हें हिसाब देना होगा? दूर रहो इससे। रुको रुको रुको, बहुत हो गया लड़की, बहुत हो गया। देखो मैं ये तुम्हारे लंच बॉक्स में रख दूंगी, और ये भी, इसके लिए थोड़ी जगह तो छोड़ो। मैं इसे कब खाऊंगी? मेरी पेटू बिल्ली, मैंने बताया तो था। आप इसे ब्रेक टाइम में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाएंगे, समझ गई? मैंने आपके बैग में एक दूध और एक सेब भी रखा है, छुट्टी के टाइम उसे जरूर खा लेना, ठीक है? ये ब्रेक क्या होती है? ब्रेक कहते हैं सबक के बीच में खेलने और खाने के वक्फे को। क्या हम वहाँ खेलेंगे? जी हाँ, हम गेम्स भी खेलेंगे, देखना आपको बहुत मजा आएगा और आपके दोस्त भी बनेंगे। लेकिन हर किसी से दोस्ती करना भी सही नहीं है, पहले उन्हें अच्छे से जानना जरूरी है, ठीक है? बाबा देखे मैं कैसी लग रही हूँ? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, माशाल्लाह, किसी की नजर ना लगे। देखो तो सही कितनी प्यारी लग रही है। ओ बाबा, मुझे मेरा बैग दे दे। आओ खुद ले लो। ठीक है ठीक है, शरारते बंद करो, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। अपनी आंखें बंद करो और मुड़ जाओ। हाँ चलो इसे पहन लो, शाबाश, जल्दी से पहनो, जल्दी से पहनो, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ पीछे कैसे देखो, मुझे नजर नहीं आ रहा, बैग दिखाए ना। ये है, देखो मुझे देखना है। इधर आओ मुझे दिखाओ, लाओ मैं उतारू। ओ तड़ा, वाह बहुत प्यारे बाबा। शुक्रिया बाबा। मेरी प्यारी बेटी, आपने स्कूल में अच्छा अच्छा पढ़ना है, ठीक है? ठीक है ठीक है, अब चलो चलो चलो, देर हो रही है देर हो रही है, स्कूल चलते हैं, अपना सामान उठा लो जल्दी से। चलो मैं तुम्हारा सैंडविच ले लेती हूँ, अपना बैग बंद करो जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, जूते पहन लो, चलो अब चलते हैं। चलो भाई आ जाओ आप, चलो 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 चलो, पहले एक तस्वीर लेते हैं पहले बाबा के साथ। चलो आ जाओ फिर। रुको मैं खींचती हूँ। मैं लेने लगी हूँ, मुस्कुराओ, रेडी हो जाओ, मुस्कुराओ ना थोड़ा सा, मैं खींच रही हूँ, तैयार रहना, और ये हो गए। हाँ वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया सच। अब आप दोनों की खींच लेता हूँ। ठीक है आ जाओ। तैयार हो जाए, ये बहुत प्यारी है। चलो शाबाश, अब एक साथ में। ठीक है एक साथ में। चलो भाई जल्दी करो, हमें देर हो रही है। इधर आ, गोद में आ, पेटू बिल्ली। बाबा उस तरफ से बना, इस तरफ से नहीं। इस तरह से? जी ठीक है, मैं खींच रहा हूँ, और ये खींच ली, ये बहुत अच्छी थी। ठीक है चलो चलो, हमें देर हो रही है। आ, दे दो, शुक्रिया तुम्हारा। बाबा चले ना, मुझे काम करना है बेटा, मैं शहर जाऊंगा। ठीक है तुम भी आ जाओ, अपनी बाइक हमारे पीछे ले आओ, फिर वहीं से आगे चले जाना। क्या ये मुमकिन है? हाँ बस आज के लिए, चलो चलो स्कूल, भागो भागो भागो, चलो 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 चलो। जिसने भी जानसू को नुकसान पहुंचाया, मैं कसम खाता हूं कि उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, दफन कर दूंगा मैं, कीड़ों की गजा बना दूंगा उसे। जो कह दिया है वो करूंगा, मुझे कातिल मत बनने देना। मैं सब बता दूंगी मगर पहले खाना खा लो। पहले बताएं मुझे,
ये घर एलिफ के किडनैपर का है। क्या? ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। उस आदमी की बेटी सुदा, जो कि एलिफ की एज की थी, एक हादसे में मर गई थी। उसकी माँ भी मर गई। उसने एलिफ को देखा तो वो उसे सुदा जैसी लगी। उसने इख्वा किया और परवरिश की, फिर बच्ची का नाम सुदा रख दिया। यार रिलैक्स हो जाओ, काम डाउन, ताकि मैं कुछ बताऊं। उस आदमी को मैं मार डालूंगा, आई समझ में? वो आदमी पहले ही मर चुका है। वो हेलो, हाँ यहाँ बैठा हूँ, हाँ एक पार्क में एक टॉप मॉडल के साथ, जिसकी मैं अभी हैप्पी सेटिंग कर रहा हूँ। तुम जरूर जानते हो, खूबसूरत सुधा, मशहूर टॉप मॉडल। हाँ हम पार्क में बैठे, बच्चों का पार्क है। चलो ठीक है। हाँ मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, तुम आ जाओ यहीं पर, मुझे तुमसे वैसे भी कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तो क्या ज़ैनब आंटी ने पैदाइश के बाद जान को उनके बाबा के पास ही छोड़ दिया था, ऐसा ही है ना? तो आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वो मेरे बाबा से मिली, फिर मैं पैदा हुई, तो क्या उनके पहले शौहर ने उन पर गुस्सा नहीं किया? ये तो सोचा ही नहीं, मुझे लगता है कि ये इसी तरह हुआ होगा। पहले वो जान के बाबा से मिली होंगी, फिर उनकी शादी हुई होगी और जान दुनिया में आया, फिर शायद उनके बीच झगड़े हुए, उनकी तलाक हो गई, और फिर वो आपके बाबा से मिली और आप आ गई। मुझे लगता है बाबा मुझे और ज़ैनब आंटी दोनों को नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बानो मामा से प्यार करते थे और उन्हीं से शादी कर ली। नहीं, वो आपको कैसे नहीं चाहते होंगे, आपके बाबा आपसे बहुत प्यार करते थे और आपके लिए बहुत कुछ किया है। देखो झूला फारेगा, जाकर बैठो, ये मुझे दे दो, मैं यहाँ रख देता हूँ। कभी कभी मैं अपनी बहन से तफाक करता हूँ, कभी कभी दिल करता है कि उनकी तरह सब कुछ बता दूं साफ साफ, और अगर ये रोए तो आपा की तरह चप्पल मार दूं, बस रोना बंद। क्या हो गया है? ठीक है, मैं आपसे एक और बात पूछूं? पूछो। आप क्यों हंस रहे हैं? आपा की याद आ गई और उनकी बात पर हंसी आ गई, तुम पूछो। आप ज़ैनब आंटी के क्या है? ओ तो अब मेरी बारी है, मेरे बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे इससे दूर रखो, चलो चूल्हे की तरफ दौड़ो, भागो भागो। ओ मेरे खुदा, ये कहानी तो 18 प्लस की तरह होती जा रही है। कहां हम उसकी मेंटल हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, और अब हम ही बच्ची का जहन खराब कर रहे हैं। अब हम जाकर शादी की तारीख ले सकते हैं, लेकिन नहीं, पहले प्रेगनेंसी टेस्ट और उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे। मैं कितनी दफा टेस्ट करवाऊं इसका? आपके हॉस्पिटल में पहले ही हो चुका है, अब इसकी क्या जरूरत है? दरअसल मैं मुकम्मल तौर पर यकीन करना चाहता हूँ, ताकि बाद में कोई गैर जरूरी बहस ना हो। आराम आराम से झूलो, आहिस्ता आहिस्ता गिर जाओगी, मान लो मेरी बात, मत करो, मान लो। हाँ आराम से। एक अच्छे बाप बनेंगे आप। बस कर दो यार, ये मत पूछो कि ये कैसा लगेगा। पता है कल रात हम पर बच्चे इस तरह बरसे कि क्या बताओ यार। क्या हुआ? क्या बताओ यार, वो ज़ैनब का बेटा जान यहाँ आया है, और फिर इन दोनों बहन भाइयों का सामना हो गया और तमाशा हो गया। क्या बताऊँ, क्या क्या सवाल किए। ये साबरी, क्या ये जान का बाप है? क्या ज़ैनब ने साबरी के लिए अहमद को चीट किया? कसम से पता नहीं क्या क्या पूछा, उस अफरा तफरी के अंदर तो मैं खुद ही भूल गया कि मैं खुद कौन हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें क्या ठीक है यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सबके लिए बुरा है, बहुत बुरा। मैंने बच्ची को उठाया और यहाँ आ गया, ताकि दोनों माँ बेटे घर में अकेले रहकर बात कर सकें। ये तो बहुत ही बुरा था। यकीनन ये बुरा है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक आफत थी, एक ट्रेजेडी।
मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जान पहले से एक मुकम्मल टीनेज बॉम्ब है। उसकी पिन तैयार है, किसी भी वक्त फटने के लिए तैयार। वो मुझसे नफरत करता है, ज़ैनब पर भी गुस्सा करता है और इस बच्ची से भी नफरत करता है। उस बच्ची की मेंटल हेल्थ को छोड़ें और बाबा के लिए थोड़ा सा सोच ले यार। ये बात हम बाबा से कैसे छुपा सकते हैं? ये जानने का उनका भी हक है कि उनकी बेटी मिल चुकी है। हक के बारे में मैं फैसला करूंगी। तुम्हारे बाबा तो बड़े हैं, लेकिन एलिफ छोटी बच्ची है। क्या लगता है किसको ज्यादा शौक लगेगा? क्या बच्ची को ये बताना आसान है कि उसके बाप ने उसे अगवा किया था? मुझे भी आंटी कहती है अपने बाप की मौत को भी कबूल नहीं कर सकी। बताओ क्या मैं खुशी से तुम्हारे बाप से बात छुपा रही हूँ? देखिए अम्मी, ये लड़की एलिफ हो ही नहीं सकती। मुझे बिल्कुल भी वाइब नहीं आ रही। एलिफ बहुत प्यारी थी, इतनी बदतमीज बच्ची है, ये एलिफ हो ही नहीं सकती अम्मी, हरगिज नहीं। ये देखो जरा, हाँ देखो, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट है ये। अगर चाहो तो हॉस्पिटल जाकर पता कर सकते हो। लो पढ़ो। इस पर एक नजर डालो, मुझे ये साबरी की सेफ से मिला है। ये कौन है? क्या मैं इसे जानता हूँ? तुम जानते हो, ये आरजू के अंदर है। याद है इतला मिलने पर इनके फार्म पर गए थे, हमने उसे तफ्तीश वगैरह भी की थी, उसका एक भाई भी था। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया। शायद उसका भाई रिमजी है। हाँ, जकी कोसे के मोहल्ले में ही रहते थे, यहाँ तक कि दोनों साथ जेल में भी थे। इस तस्वीर का क्या ताल्लुक है साबरी की सेफ में? क्यों है ये? या साबरी की सेफ में और भी कई फोटोज और काफी चीजें मौजूद हैं। वो हाथमी खपती और साइको सता है। मैं बता रहा हूँ, उसने शुरू से ही ज़ैनब की कहानी की पैरवी की, सब कुछ पता लगा लिया उसने ज़ैनब के बारे में। और पता है उसके पास तो एलिफ के बचपन की भी बहुत सारी तस्वीरें थी, और जैसे उसके लिए काफी नहीं था, उसके बाद उसने बैठकर एक नॉवल भी लिखा। नॉवल का उन्वान, एलिफ की दूसरी जिंदगी। और अंदाजा लगाओ कि मरकजी किरदार कौन है? ज़ैनब। जी ज़ैनब, लेकिन नॉवल में उसका नाम जीनो है। अल्लाह अल्लाह। फिर आरजू को कहानी में शामिल किया जाता है। उस आरजू की एक बेटी जानसू भी है, और वहां एक देहाती आदमी मेहमत है जो उस बच्ची का बाप है, लेकिन वहीं नॉवल अधूरा रह जाता है। अच्छा, वाकई ये तो साइको आदमी था। इस तरह का साइको आदमी जो पहले अपने शिकार को चुनते हैं और फिर उनके हर कदम की पैरवी करते हैं, लेकिन आरजू उसे क्यों शामिल किया है ये समझ नहीं आ रहा। दुरुस्त कहा, हम भी आरजू का गिर्द घूमते रहे हैं। फिर ये कैसा इत्तेफाक है कि साबरी ने आरजू को भी इस नॉवल में बतौर एक किरदार रखा है? आरजू और जानसू की एक तस्वीर भी है। यही तो समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी समझ आया, कहीं ना कहीं तो उस आरजू का भी इस केस से ताल्लुक जरूर है भाई। बिल्कुल, इसीलिए अब हमें किसी की भी नजरों में आए बिना उससे फौरन जाकर मिलना होगा। लिहाजा अगर मैं जरा भी शक के साथ ज़ैनब से जाकर ये कह दूंगे, ये छोटी सी प्यारी बच्ची सुधा तुम्हारी बेटी नहीं है, तो वो नींद में मुझे कुल्हाड़ी से काट डालेगी। आपकी नींद में? हाँ, मेरी नींद में। ज़ैनब आपकी नींद की हालत में कब से पहुंची है? मेरे दोस्त, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर तुम्हारे जहन में कोई भी बात है तो तुम मुझसे खुलकर पूछ सकते हो। अरे नहीं भाई, अल्लाह आपको खुश रखे और आप कैसे खुशी होगी? कैसी खुशी यार, क्या उसने हमें खुश रहने भी दिया है? बताओ जरा, बच्ची पहले ही मिल चुकी है, डीएनए टेस्ट भी कराया जा चुका है। मैं और ज़ैनब इस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां मैं उसका साथ पा सकता हूं, तो फिर मैं अपने लिए सब कुछ क्यों मुश्किल बना रहा हूं? आखिर मक्खी के छत्ते में छड़ी क्यों मार रहा हूं? मैं जहां हूं वहीं रहूं, मुझे पता नहीं मैं पागल हो गया। भाई आप रिलैक्स हो जाए, आप ऐसे आदमी नहीं है। अगर आप दुरुस्त रास्ते से भटक गए तो दुनिया उलट जाएगी भाई, आपको इसमें मुलविस होना पड़ेगा, उसे ढूंढना है और बाहर निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या तुमने चीफ को बताया कि साबरी जिंदा नहीं, मर चुका है? हाँ, इशारतन तो कह दिया था। मैंने कहा वो शख्स शदीद बीमार था और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा था, उसी में उसकी मौत हो गई। फिर वो मसरूफ हो गया था तो भूल गया, अब आपको तंग नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, दोबारा इस बात का जिक्र ही मत करना। चलो, किसी को बताए बगैर आहिस्ता आहिस्ता अपनी तहकीकात खुद ही करते हैं। तो आप कह रहे हैं हमें आरजू के पास जाना हो? हाँ बिल्कुल, चलते हैं भाई, किसी तरह तो जाना होगा।
और दुआ करो कि इस नॉवल में उसकी मौजूदगी की वजाहत कुछ और ही हो। इस बार मैं ज़ैनब को ये नहीं बता सकता कि सुधा तुम्हारी बेटी नहीं है, बिल्कुल नहीं कह सकता मैं। क्या बोल रहे हैं भाई, डीएनए टेस्ट भी तो हुआ है। ठीक कहा तुमने, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा भी हो सकता है। हिलमी साहब ने हॉस्पिटल के अंदर कोई जालसाजी की होगी या फिर कुछ और किया होगा। वो ऐसा नहीं कर सकता, मतलब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह उसने ऐसा नहीं किया होगा भाई।